तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से स्मार्ट टीवी पर आप लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट चले जाते हैं तो इस वजह से चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं SSID यहाँ इस घर पर आप लोगों को कुछ डालना होगा, तो कुछ लिख कर डालना होगा जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सेम वैसे ही लिखना NANDROID Android App लिखना होगा दोस्तों आप लोगों को। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम आप लोग वैसे लिख देना। सॉरी दोस्तों, मुझे A कैपिटल लेटर की लिखना पड़ता तो इसलिए मैं सारे डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि टीवी में स्मार्ट टीवी में आपके मोबाइल के ऑप्शन की तरह नहीं है जो एक लेटर काट कर मैं दोबारा उसे चेंज कर सकूं। आप एक अगर भूल करेंगे तो आपको सारे डिलीट कर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों पहले जो लेटर दिख रहे हैं ए, वो कैपिटल रखें और बात के भी ए कैपिटल रखें। देखिए एंड्रॉइड ऐप, इसे लिख कर आप नीचे आ सकते हैं दो नंबर में। नीचे आने के बाद चीपर टाइप, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, आप सबके शेष ऑप्शन चूज़ करना WPA और WPA2। तो दोस्तों यहाँ आपके वाईफाई के पासवर्ड डालना होगा, जो मेरे वाईफाई के पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह आप भी अपने वाईफाई के पासवर्ड डाल दीजिएगा दोस्तों। डालने के बाद उसके बाद तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे वाईफाई का पासवर्ड है ईद मुबारक। मैं ये लिख कर टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं ओके में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक कनेक्टिंग वाईफाई अभी कुछ देर बाद कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों का इस तरह से इंटरफेस आया कनेक्ट एंड्रॉइड ऐप, फिर से दोबारा पासवर्ड मांगा, तो आप लोग कुछ ना करिएगा, आप लोग बैक कर लीजिएगा। बैक करके आप लोग सेटिंग पर आइएगा। सेटिंग पर आने के बाद आप तीन नंबर पर जाइएगा, कॉमन सेटिंग पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं सिस्टम रिकवरी, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग डाइन तरफ देख सकते हैं रिकवरी लिखा हुआ, तो दोस्तों उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका रिस्टार्ट रिबूट जिसको बोलता है वो ले लेगा। तो आपकी जो स्मार्ट टीवी है देखिए फिर से सेटअप हो गया न्यू तरीके से। तो आप इसे फिर से सेटअप करके न्यू कर सकते हैं और आपकी कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग यहाँ कुछ सेटअप है, जैसे कि एक नंबर में आप भाषा इंग्लिश कर सकते हैं, तो आप जिस भाषा समझते हैं उस भाषा कर लेंगे। तो मैं इंग्लिश रखा हूँ। दो नंबर पर आप जॉन योर यूजिंग, आपके मैने आप जहाँ रहते हैं वहाँ टाइम किस वक्त मैने कौन टाइम हुआ है तो वो सेव कर लेंगे। और तीन नंबर पर आप लोग इस तरह से ये चार स्टेप सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद ये होम पे आप प्रेस क्लिक करना। प्रेस क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आप लोग डायरेक्ट आप लोग ऐप में जाकर आप लोग यूट्यूब में क्लिक करना, यूट्यूब में ढूंढना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इंटरनेट आया कि नहीं, आप लोगों को यकीन हो जाएगा अभी। तो मैं कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यूट्यूब में जा रहा हूँ। यूट्यूब में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरे सारे यूट्यूब के वीडियो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपनी स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।